अरे भाई, ये मैं क्या बन गया? स्पाइडर मैन। फ्लैशबैक। एक और नई सुबह हमारे वही खटारे से घर में। एंड गाइस, आज मेरी हालत बहुत ज्यादा ही खराब है क्योंकि मेरी एक टांग टूट चुकी है और ऊपर से बाबूजी मेरे को परेशान करे जा रहे हैं कि तू अपनी टोपी उतार, मुझे तेरा टकला देखना है। पता नहीं बाबूजी मेरा टकला देखकर क्या करेंगे। गाइस, ये बाबूजी का ऐसे ही सुबह सुबह दारू पी लेते हैं, फिर अजीब अजीब हरकतें करने लग जाते हैं। बाबूजी कितनी बार बोला है सुबह सुबह दारू नहीं पीते। अच्छा, हमको सिखा रहा है। ओके बाबूजी, नहीं सिखाऊंगा। चलो भाई, अपन तो यहां से निकल लेते हैं। लगता है बाबूजी बहुत ज्यादा ही नशे में हैं। पहले ही एक टांग टूट चुकी है, मालूम पड़े बाबूजी दूसरी टांग भी तोड़ दें। अभी आप सोच रहे होंगे कि मेरी चल हालत कैसी हुई। तो गाइस, बात कुछ ऐसी है कि कल हमारी सोसाइटी में मटके फोड़ का प्रोग्राम था। एंड एज यूजुअल हमेशा मटके में ही फोड़ता हूँ। देखो वो लगी हुई मटके एकदम नदी के बीचों बीच में। हाँ, तो क्या हुआ था कि कल रात मटके फोड़ने के लिए मैं ऊपर चढ़ा और इतने में ही बाघा ने मेरी पीठ पीछे टांग खींच ली। बस इसके बाद क्या था, मैं 6 फुट की हाइट से धड़ाम से नीचे गिर गया और मेरी सारी हड्डियों का कचूमर बन गया। यहाँ तक कि मेरे पिछवाड़े में भी चोट आ गई। देखो ये रही। ए बाघा, कल रात तूने मेरी टांग क्यों खींची थी? मैं नहीं बताऊंगा। ये बाघा मुझे बताया नहीं बताया, लेकिन मुझे मालूम है कि मटकी इसको फोड़नी थी, इसलिए इसने मेरी टांग खींची। वो तो जैसी जिसकी सोच। कैसा नौकर है यार, इसको अपने मालिक की कोई चिंता ही नहीं है। चल वो सब छोड़, मुझे जंडू बाम थे, मुझे अपनी बाई टांग पे लगाना है। जंडू बाम मांगा था, ये दे दिया। सेठ जी, तुम्हारी चिट्ठी आई है, जाके वो पढ़ो, मेरा दिमाग मत खाओ। ओ भाई, अपने मालिक से ऐसी बात कौन करता है, जाके थोड़ी तमीज सीख। अरे तू जा रही। सही में यार, कितना बदतमीज नौकर पाल रखा है मैंने यार। ये बाघा को तो मारो गोली। अपन तो यहाँ से चलते हैं, चल के फटाफट से देखते हैं किसकी चिट्ठी आई है। बाघा सही बोल रहा है, चिट्ठी आई है। चलो देखते हैं क्या लिखा है। मुझे तुम्हारी जरूरत है अय्यर इडली। एक सेकंड, यहाँ पर एक नोट भी लिखा है, काम करने के पैसे मिलेंगे। जिनको नहीं पता मैं उनको बता दूंगी, अय्यर इडली एक बहुत ही बड़े साइंटिस्ट है। ऐसा मैं नहीं मानता, वो तो खुद ही अपने आप को बहुत बड़ा साइंटिस्ट मानते हैं। मेरे हिसाब से तो वो एक पागल साइंटिस्ट है जो दिन भर इडली खाते रहते हैं। पर मुझे एक बात समझ नहीं आ रही कि उन्होंने मुझे बुलाया क्यों। देखो गाइस, मेरा जाने का तो मन नहीं है, लेकिन जहाँ पर पैसों की बात आती है वहाँ पर मैं हमेशा जाने के लिए तैयार रहता हूँ, क्योंकि मेरे लिए पैसा ही भगवान है। चलो भाई, बहुतों के डायलॉग बचे, फटाफट से यहाँ से निकलते हैं। लेकिन जाने से पहले काम करते हैं, थोड़ी सी इडली रख लेते हैं, क्योंकि वो अय्यर इडली को इडली बहुत पसंद है। इडली के बिना उसे कुछ काम ही नहीं होता है। देख रहे हो गाइस, मेरी हड्डी पसली एक हो रखी है, लेकिन उसके बावजूद भी मैं पैसे कमाने जा रहा हूँ। आप लोगों को मुझसे कुछ सीखना चाहिए। चलो भाई, बहुतों की बात है, फटाफट से अपनी गाड़ी अपने गैराज में से निकाल लेते हैं। और एक सेकंड, जेठे मेरी बाइक के बाजू में क्या कर रहा है? गाइस, मेरे को लगता है इसकी नजर मेरी बाइक पे है, इसलिए तो ये चुपचाप से मेरे गैराज में घुस गया। इसको मैंने आईफोन ही दिलाया, इसलिए मेरी बाइक के पीछे पड़ गया। वो तो ये अच्छा हुआ कि अपन ने सही टाइम पे गैराज खोल लिया, वरना ये जेठे मेरी बाइक चुपचाप से निकाल के ले जाता और अपने को तो मालूम ही नहीं पड़ता। लगता है अगली बार से बाइक पे भी ताला लगाना पड़ेगा। चल जेठे, तेरे हो गया हो तो निकल यहाँ से, मेरे को गैराज बंद करने का है। आई एम नॉट इंटरेस्टेड यार। ठीक है भाई, तेरी मर्जी, अब तो हमेशा यही बंद रहे। चलो भाई, जेठे का तो बंदोबस्त कर दिया अपन ने, अब अपन भी यहाँ से निकलते हैं। Meanwhile, ओके गाइस, फाइनली अपन अय्यर इडली के लैब के पास तो पहुँच गए हैं, लेकिन यहाँ पर तो सब कुछ काफी ही बदला बदला दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पर तो मैं पहले भी आ चुका हूँ। उस टाइम तो अय्यर इडली झोपड़ी में रहता था, लेकिन अब तो देखो गाइस, यहाँ पर तो अय्यर इडली ने काफी ही हाईटेक लैब बना ली है। अरे एक सेकंड, यहाँ पर ये डोरेमोन क्या कर रहा है? गाइस, ये डोरेमोन का ऐसे ही, मैं जहाँ भी जाता हूँ ना, वहाँ मेरे पीछे पीछे आ जाता है। ओ भाई, तेरी क्या तकलीफ है यार, मैं जहाँ भी जाता हूँ तो मेरे पीछे पीछे वहाँ आ जाता है। चल निकल यहाँ से। लगता है अय्यर इडली का 25 दिन में पैसा डबल हो गया है। जब भी तो देखो उसने यहाँ पर क्या क्या लगा रखा है। ओ माय गॉड, इसने तो यहाँ पर ये भी लगा रखा है, ये तो मेरे घर पे भी लगा हुआ है। एक सेकंड, यहाँ से तो अंदर का भी दिख रहा है। ओ भाई साहब, अंदर से तो लैब काफी ही खतरनाक दिख रही है। लगता है अब तो अंदर जाके देखना पड़ेगा, इसलिए फटाफट से अंदर चलते हैं। अरे कोई गेट खोल क्यों नहीं रहा है? अरे भाई कोई तो गेट खोलो यार, कोई गेट खोल ही नहीं रहा है। कहीं अय्यर इडली कहीं घूमने तो नहीं निकल गया? अरे यार, जबरन में मैं यहाँ आया, इससे अच्छा मैं घर पे आराम करता। एक सेकंड, यहाँ क्या लिखा है? अंदर आने के लिए अपना चेहरा कैमरे में दिखाओ। अबे यार, अब यहाँ पर कैमरा कहाँ लगा है? अरे दया, टेंशन क्या लेता है, ये कैमरा यहाँ लगा है। तो चलो अपन अपना चेहरा इसमें दिखा देते हैं। चल भाई गेट अब तो खुल जा। ओ भाई खुल गया, चलो दया फटाफट से अंदर भागो। ओ माय गॉड, ये मैं क्या देख रहा हूँ? ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर तो बड़ा ही खतरनाक एक्सपेरिमेंट चल रहा है। सही में पता नहीं यहाँ पर क्या चालू है। अरे भाई एक सेकंड, ये कौन सा जानवर है? ऐसा जानवर तो मैंने कभी नहीं देखा। लगता है अय्यर इडली इस पे एक्सपेरिमेंट कर रहा है, जबी तो उसने इसको ऐसे बंद करके रखा है। ओ भाई साहब, अय्यर इडली के पास तो बंदूक भी है, ये बंदूक तो मेरी वाली से भी बहुत बड़ी है। मन तो कर रहा है कि मैं इसको यहाँ से उठा के ले जाऊँ, लेकिन ऐसा मैं नहीं करूंगा, मुझे बाबूजी ने अच्छे संस्कार दिए हैं। लेकिन इतने भी अच्छे संस्कार नहीं दिए हैं, इसलिए मैं इसको इस चिरकुट पे ट्राई करके देखूंगा। ओहो भाई साहब, एक शॉट में ही काम तमाम। बड़ा हरामी हो बेटा। ये सब तो ठीक है दया, लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आ रही कि यहाँ पर एक अटी मुंडी पड़ी हुई क्यों है। ये तो यार मुझे किसी जानवर की मुंडी लग रही है, लेकिन यार ये तो इंसान की है और इसकी शक्ल तो देखो गाइस, बिल्कुल मेरी जैसी, एकदम सेम टू सेम। दया, मुझे तो बहुत डर लग रहा है, कहीं ऐसा नहीं हो कि अय्यर इडली भी अपनी मुंडी काट कर यहाँ पर टेबल पर सजा दे। नहीं नहीं, ऐसे कैसे कर लेगा वो, अपने पास बंदूक है, अगर वो कुछ ऐसे वैसे करने की कोशिश करेगा तो अपन उसको वहीं टपका देंगे। अब तो मुझे बहुत ज्यादा ही शक हो रहा है दया, कि ये अय्यर इडली साइंटिस्ट है या फिर काला जादूगर। लेकिन ये अय्यर इडली है कहाँ?
देखो वहाँ खोपचे में छुपा हुआ है, चलो चल के बात करते हैं। ओ अय्यर इडली, आपने ही मुझे चिट्ठी भेजी थी ना? अरे तो फिर बताओ ना, मेरे से क्या काम है आपको? मैं नहीं बताऊंगा। मेरे को मालूम था ये अय्यर इडली नखरे दिखाएगा, इसलिए मैंने घर से निकलते वक्त इडली रख ली थी, क्योंकि इडली के बिना इसका दिमाग चलता ही नहीं है। ये लो अय्यर इडली, इडली खाओ और मुझे बताओ कि मुझे यहाँ पर किस काम के लिए बुलाया है। देखा, इडली खाते से ही दिमाग चालू हो गया ना। तुम्हें 2000 साल पहले जाकर डॉक्टर ऑक्टोपस को मारना है। अरे भाई ये कैसा काम है? एक सेकंड, यहाँ पर नोट भी लिखा है, और इस काम के तुमको 150 रुपए मिलेंगे। ओहो भाई साहब, 150 रुपए मिलेंगे, ये तो बहुत ही ज्यादा है, लगता है ये तो करना ही पड़ेगा। लेकिन यार 2000 साल पहले मैं कैसे जाऊँ? इट इज जस्ट इम्पॉसिबल। अरे अय्यर इडली भाई, तुम ये तो बताओ मैं 2000 साल पहले कैसे जाऊँ? रुको जरा, सबर करो। ओके गाइस, अभी थोड़ी देर पहले मुझे ऐसा लग रहा था कि 2000 साल पहले जाना एकदम इम्पॉसिबल है, लेकिन नाउ इट इज पॉसिबल, क्योंकि अभी अभी जस्ट अय्यर इडली ने मुझे टाइम मशीन बना के दी है, जो पता नहीं एकदम क्यों कार जैसी दिख रही है। और ऐसे कहने, कार के नीचे ट्रेन की पटरी कौन लगाता है भाई? मतलब कुछ भी। गाइस मेरे को तो लगता है अय्यर इडली अपना पोपट बना रहा है, क्योंकि ये कहीं से गए तो टाइम मशीन दिख ही नहीं रही, और ऊपर से जहाँ पर ट्रेन की पटरी खत्म हो रही है वहाँ पर तो दीवार है। इसका मतलब कि अगर मैं कार को एकदम फुल स्पीड में लेके गया तो मैं तो सीधा जाके दीवार में भिड़ जाऊंगा, और पहले ही मेरे हड्डियों का कचूमर बना हुआ है। ऐसा नहीं हो कि मैं तो ऊपर निकल लूं। लेकिन यार 150 रुपए भी तो चाहिए, तो चलो अपने काम करते हैं, इस टाइम मशीन को चालू करके तो देखते हैं, क्या मालूम चालू हो जाए। तो ओके, सबसे पहले मुझे यहाँ पर एक चिट्ठी डालनी है जो अय्यर इडली ने मुझे दी थी, और इसके बाद ये लीवर चालू करना है बस। अरे इससे तो कुछ भी नहीं हुआ, मैंने पहले ही बोला था टाइम मशीन एकदम भंगार है। अरे एक सेकंड, वहाँ पर कुछ तो अजीब सा हुआ है, अभी कुछ देर पहले तो वहाँ पर एक दीवार थी, लेकिन अब तो वहाँ एक पोर्टल खुल गया है। मेरे को तो लगता है यार टाइम मशीन चालू हो गई है, तो इसलिए क्या टाइम पास कर रहे हो यार, चलो फटाफट से। फाइनली गाइस, मैं 2000 साल पीछे जाने वाला हूँ, पता नहीं क्या होने वाला है, मेरी तो बहुत फट रही है, लेकिन जाना तो पड़ेगा, 150 रुपए का सवाल है, तो फिर ठीक है चलते। तो ये गाइस फाइनली अपन पोर्टल के बाहर तो आ गए हैं, लेकिन एक सेकंड, मैं कहाँ जा रहा हूँ, आगे तो खाई है, लगता है मैं तो गया। वॉट, ये मैं कहाँ टपक गया? ओहो ओके, मैं तो पेड़ में अटक गया, ये तो वही बात हो गई, आसमान से गिरे खजूर में अटके। लेकिन मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि ये हम कहाँ आ गए, लगता है दया अपन 2000 साल पीछे वक्त में आ गए हैं, जब भी तो देखो यहाँ पर सब कुछ कितना अजीब दिख रहा है। और एक सेकंड, मेरे कपड़ों को क्या हो गया? वॉट, मैं कैप्टन अमेरिका बन गया, इसका मतलब कि मैं पिछले जन्म में कैप्टन अमेरिका था, क्या बात है यार, तो फिर मेरे पास तो शील्ड भी होना चाहिए। हाँ भाई शील्ड भी है, तो चलो उसको फेंक के देखते हैं। अरे भाई कहाँ चली गई? वो वापस भी आ गई। चलो ये सब तो ठीक है, लेकिन अब आगे यहाँ से कहाँ जाना है, क्योंकि दूर दूर तक सिर्फ जंगल के अलावा कुछ नहीं दिख रहा है। एक सेकंड, वो बिल्डिंग के ऊपर कुछ तो अजीब सा लिखा हुआ है, आई वाई आर। अरे यार ये आई वाई आर का मतलब क्या होता है? अरे हाँ, आई वाई आर का मतलब तो अय्यर, इसका मतलब कि वो बिल्डिंग अय्यर इडली की लैब है। तो चलो दया, किसका इंतजार कर रहे हो, फटाफट से यहाँ से खुद ही मारो। ओके गाइस, अपन अय्यर इडली की लैब की छत पर तो आ गए हैं, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि इसका एंट्रेंस कहाँ से है। ओहो इसका एंट्रेंस यहाँ से है, तो चलो दया फटाफट से अंदर चलो। ओके गाइस, हम अंदर तो आ गए हैं, लेकिन ये लैब तो काफी घटिया लग रही है। अरे ये लैब है भी कि नहीं, एक मिनट, ये चिरकुट कौन है? अरे दया ये तो अपना अय्यर इडली है, इसका मतलब कि 2000 साल पहले अय्यर इडली ऐसा दिखता था, एकदम बंदर जैसा। चलो भाई बहुत हो गया मजाक, अब जो काम के लिए आए थे वो काम निपटा लेते हैं। ओ अय्यर इडली फटाफट से बताओ, डॉक्टर ऑक्टोपस कहाँ मिलेगा? डॉक्टर ऑक्टोपस का एड्रेस मांगा था, ये क्या दे दिया? अबे चिरकुट, ऐसे जाएगा तो डॉक्टर ऑक्टोपस तेरी वार्ड लगा देगा। अरे तो फिर बताओ ना आगे मैं क्या करूँ? अब क्या दे दिया? बाजू वाला गेट खोल और गटर में डुबकी मार दे। ओ भाई ये कैसा काम है, गटर में डुबकी कौन मारता है भाई? ओ अय्यर इडली मैं तो नहीं करने वाला, आप तो किसी और को पकड़ लो, 150 रुपया देगा। अरे यार अब तो करना पड़ेगा, 150 रुपए का सवाल है, तो फिर चलो करते हैं। ओके शायद अय्यर इडली इसी गेट के बारे में बात कर रहा है, चलो दया फटाफट से अंदर भागो। ओ माय गॉड, अब ये सब अजीब गरीब चीजें क्या है, जैसे कि स्पाइडरमैन जो बिना चड्डी के खड़ा हुआ है। ओ भाई साहब आपको शर्म नहीं, बिना चड्डी के खड़े हुए हो? नहीं। चलो ये सब तो ठीक है, लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आ रही कि यहाँ पर इतना बड़ा गड्ढा क्यों है। आई थिंक सो शायद ही वही गटर है जिसके बारे में अय्यर इडली बात कर रहा है। ओहो भाई साहब ये गटर तो काफी गहरा है, दया मेरी तो देखकर एकदम फट रही है, लेकिन 150 रुपए के लिए मैं कुछ भी करूंगा, क्योंकि मेरे लिए पैसा ही भगवान है। और इसी गटर में से मैं सीधा कहाँ आ गया? ओ भाई साहब बाल बाल बचा मैं तो, मुझे तो लगा कि इस बार तो मैं टपक गया। ओ भाई ये बंदर कौन है? अरे ये तो सुपरमैन का पुतला खड़ा हुआ है, और यहाँ पर आयरन मैन का, और ये पता नहीं कौन बंदर है। अरे दया अपने को ये करना, अपने को तो यहाँ से निकलने से मतलब होना चाहिए। अरे यार मेरे को तो निकलने का यहाँ से कोई रास्ता नहीं दिख रहा है, ये अय्यड़ी ने भी अपने को कहाँ फंसा दिया। एक सेकंड, यहाँ क्या लिखा हुआ है? यहाँ स्पाइडरमैन बनने की ट्रेनिंग दी जाती है। व्हाट, स्पाइडरमैन बनने की ट्रेनिंग? अरे दया अब मुझे समझ में आया, शायद डॉक्टर ऑक्टोपस को मारने के लिए अपने को स्पाइडरमैन बनना होगा, इसलिए तो अय्यड़ी ने अपने को यहाँ भेजा ताकि अपन स्पाइडरमैन बन सके। तो चलो दया किसका इंतजार कर रहे हो, चलते हैं और चल के स्पाइडरमैन बनने की ट्रेनिंग ले लेते हैं। अरे एक मिनट, यहाँ पर इतनी अजीब गरीब आवाज ही क्यों आ रही है? अरे दया इसलिए आ रही है क्योंकि पूरे कमरे में मकड़ियाँ भरी हुई है। भाई साहब कितनी सारी मकड़ियाँ हैं, छी मुझे ये मकड़ियाँ बिल्कुल पसंद नहीं है। अरे भाई साहब यहाँ पर तो मकड़ियों का बाप भी है, देखो तो सही कितना बड़ा मकड़ा है। एक सेकंड ये क्या हुआ, और छोटी मकड़ियाँ तो मेरे को काटने लग गई। अरे भाई जाना यहाँ से, काहे के लिए मेरे पीछे पड़ी है? अबे यार ये मकड़ा भी मेरे पीछे पड़ गया, पता नहीं यार क्या हो रहा है मेरे साथ इधर। दया मेरे को तो लगता है शायद ये मकड़ी के काटने के बाद अपन स्पाइडरमैन बन जाएंगे,
लेकिन यार सिर्फ एक ही बार काटने का होता है, ये तो काटे ही जा रही है। अरे यार अगर ये तो ऐसे ही काटती रही तो मैं तो यहीं टपक जाऊंगा। अरे मकड़ियां बस मेरा पीछा छोड़ दो, लगता है अपने को फटाफट से यहाँ से भागना पड़ेगा वरना ये मकड़ियां तो अपनी जान ले लेगी। ओहो फाइनली यार अपनी जान बची, देखो तो सही वो मकड़ियों ने अपना आधा खून चूस लिया। ये अयर एलियन ने अपने को कितनी खतरनाक जगह भेज दिया यार। अब पता नहीं यार अपन कौन से कमरे में आ गए। अरे एक सेकंड, वहाँ पर क्या एक इंजेक्शन रखा हुआ है? अरे हाँ दया वहाँ पर सही में एक इंजेक्शन रखा हुआ है, पर पता नहीं काय का इंजेक्शन है ये, कहीं पोलियो का तो नहीं है? अरे नहीं दया इसके बाजू में लिखा हुआ है काय का इंजेक्शन है ये स्पाइडरमैन वाला इंजेक्शन है। ओहो ओके शायद ये इंजेक्शन लगाने के बाद अपन स्पाइडरमैन बन जाएंगे, तो ओके चलो इसको लगाते। ओके मैंने पूरा इंजेक्शन तो लगा लिया है लेकिन मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ा। दया मेरे को तो लगता है शायद ये पोलियो का इंजेक्शन था इसलिए अपने को कुछ भी नहीं हुआ। अरे बार बार मेरे आसपास क्या हो रहा है मुझे समझ ही नहीं आ रहा है। छोड़ो यार अपन तो ये खाली इंजेक्शन फेंकते हैं और यहाँ से निकलते हैं। अरे एक मिनट यहाँ पर ऊपर क्या लिखा हुआ है, मन्नू टेलर? अरे मन्नू टेलर नाम तो मैंने कहीं सुना है पर पता नहीं कहाँ सुना है। चलो अभी तो याद नहीं आ रहा, अपन तो यहाँ से निकलते हैं। अबे यार अब कौन से कमरे में आ गया मैं? ओ माय गॉड ये तो मेरा वाला सूट है, यही सूट तो मैं पहना हुआ हूँ, लेकिन ये पता नहीं कौन सा सूट है, एकदम जोकर जैसा लग रहा है। अरे दया ये देख यहाँ पर तो थोर का हथौड़ा भी रखा हुआ है और साथ में ही अपनी कैप्टन अमेरिका वाली शील्ड भी, कहीं एवेंजर्स का हेडक्वार्टर तो नहीं है? अरे नहीं दया ऐसी सड़ी जगह कैसे हो सकती है? एक मिनट ऐसी जगह पे ये नमूना क्या कर रहा है, कहीं एवेंजर तो नहीं है? अरे नहीं दया ये तो मन्नू टेलर है, पता नहीं क्यों मैंने इनको कहीं देखा है। अरे हाँ दया याद आया, तो वही जिन्होंने अपना कैप्टन अमेरिका का सूट सिला था। मेरे को तो लगता है दया शायद ही अपना सूट सिलने के लिए खड़े हुए, क्यों मन्नू टेलर सही बोल रहा हूँ ना? यू आर राइट ब्रो। तो दया अपन एक काम करते हैं, शादी का एक सूट सिलवा लेते हैं, जेठे की बारात में काम आएगा। चलो मन्नू टेलर फटाफट से एक शादी का सूट सिल दो। शादी का सूट मांगा था ये क्या दे दिया? मैं सिर्फ स्पाइडरमैन वाला सूट ही फ्री में सिलूंगा, बाकी सूट के पैसे लूंगा। अरे यार ये क्या नाटक है, चलो ठीक है स्पाइडरमैन वाला सूट ही सिलवा लेते हैं, क्योंकि ऐसा है कि मैं फ्री की चीजें नहीं छोड़ता। चलो मन्नू भैया वही सिल दो। रुको जरा सबर करो। ओके गाइस मन्नू टेलर ने अपना स्पाइडरमैन वाला सूट सिल दिया है, वो भी एकदम फ्री में, देखो ये रहा। चलो इसको पहन लेते हैं, लेकिन उससे पहले अपना पुराना वाला सूट उतार के फेंक देते हैं। ओके गाइस फाइनली अपन स्पाइडरमैन की चड्डी बनियान पहनने जा रहे हैं। ओहो भाई साहब ये तो अपने कैप्टन अमेरिका वाले सूट से भी लाख गुना ज्यादा अच्छा है, और ऊपर से इसकी चड्डी भी एकदम फ्लेक्सिबल है, एकदम मस्त लग रहा है। ओके गाइस अपने पास स्पाइडरमैन का सूट तो आ गया है, लेकिन अभी तक स्पाइडरमैन की पावर्स नहीं आई है, और पावर्स के बिना तो मैं डॉक्टर ऑक्टोपस को भी मार नहीं पाऊंगा। तो यार अब मैं आगे क्या करूं? दया अपन तो एक काम करते हैं आगे बढ़ते हैं, क्या मालूम आगे जाके अपने को स्पाइडरमैन की पावर मिल जाए। तो ओके फिर आगे बढ़ते हैं। ओहो माय गॉड अब ये क्या नई मुसीबत है यार, अब ये ज़ॉम्बीज कहां से आ गए, इनको मारे बिना मैं तो आगे ही नहीं बढ़ सकता, लेकिन मारूं कैसे यार मेरे पास तो पावर ही नहीं है। अरे सेकंड मेरे में से ये क्या निकला, अरे देखो वो ज़ॉम्बी को इससे कुछ हो रहा है। व्हाट ज़ॉम्बी मर गया, पता नहीं यार क्या हुआ लेकिन जो भी हुआ मजा आ गया। चलो एक और बार करके देखते हैं, वो फिर निकला। मेरे को लगता है दया शायद ये लेजर वाला जाला है, जब भी तो देखो वो ज़ॉम्बी की कितनी हालत खराब हो रही है। लेकिन एक सेकंड ये लेजर वाला जाला कहां से निकल रहा है? व्हाट अरे ये तो मेरे मेन पॉइंट से निकल रहा है। ओके गाइस अपन ने सारे ज़ॉम्बीज को तो मार दिया है, अब शायद अपन सेफ है और यहाँ से निकल सकते हैं, लेकिन जाने का रास्ता कहाँ है? ओहो अच्छा अपने को वहाँ ऊपर से निकलना है, लेकिन कैसे यार? चलो एक काम करते हैं अपन जाला छोड़ने की कोशिश करते हैं, क्योंकि शायद अपने पास स्पाइडरमैन वाली पावर्स आ गई हैं। ओके सही है ऊपर जाने की कोशिश करते हैं। अरे भाई 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 ये देखो गाइज मैं तो यहाँ लटक गया। ओके अब इस ब्लॉक पे चढ़ने की कोशिश करते हैं। फाइनली गाइज अपन इस ब्लॉक पे भी आ गए, अब बस अपने को ऊपर जाना है। तो ओके अगर अपन स्पाइडरमैन बनी गए तो फिर तो अपन दीवार पे भी चढ़ सकते हैं। अरे हाँ भाई चढ़ सकते हैं, देखो तो गाइज कितनी स्पीड में चढ़ रहा हूँ, एकदम छिपकली की तरह। ओके गाइज फाइनली इतनी मुश्किल उठाने के बाद अपन लोगों ने स्पाइडरमैन बनने की ट्रेनिंग कम्प्लीट करी ली, लेकिन अभी भी एक प्रॉब्लम बाकी है, मैं यहाँ से नीचे कैसे उतरूँ क्योंकि मुझे नीचे उतरना ही नहीं आता। अरे दया अपन स्पाइडरमैन है, अगर अपन यहाँ से कूद भी गए तो अपने को घंटा कुछ नहीं होने वाला, तो इसलिए भगवान का नाम लेके खुद ही मारो। अरे एक सेकेंड व्हाट स्पाइडरमैन उड़ भी सकता है, यार ये तो मेरे को मालूम नहीं था, लेकिन जो भी हो यार मजा बहुत आ रहा है। ओके गाइस फाइनली अपने सारे काम हो चुके हैं, अब चलते हैं सीधा अयरडी के पास, वो भी एकदम हवा में उड़ के। मीनवाइल चलो भाई अपन अयरडी के लैब के पास तो पहुंच गए हैं, अब फटाफट चलते हैं अंदर और चल के पूछ लेते हैं डॉक्टर ऑक्टोपस कहां मिलेगा। ओ अयरडी अब तो बता दो डॉक्टर ऑक्टोपस कहां मिलेगा, ये क्या दे दिया, बाजू वाले तालाब में। अरे यार ये बात मुझे समझ में नहीं आई, डॉक्टर ऑक्टोपस तालाब में रहता है, डॉक्टर ऑक्टोपस इंसान है या फिर मेंढक? अरे दया अपने कंडा बंद यहां से चलते हैं और फटाफट से डॉक्टर ऑक्टोपस को टपकाकर 150 रुपए लेके निकलते हैं। ओके गाइस अयरडी के हिसाब से डॉक्टर ऑक्टोपस इसी तालाब के अंदर रहता है। एक सेकंड व्हाट डॉक्टर ऑक्टोपस एक ऑक्टोपस है, अरे भाई ये कैसे बेहूदा मजाक है, इसको टपकाने के लिए कोई अपने को सुपर पावर्स की जरूरत नहीं है, अपने को बस एक स्पंज चाहिए, बस ये स्पंज को इस तालाब के अंदर लगा दो, विद इन अ सेकंड डॉक्टर ऑक्टोपस आपके आंखों के सामने खलास। क्या यार इतने से काम के लिए मैं जबरन में यहाँ आया, मेरे को तो लगा था कि डॉक्टर ऑक्टोपस बड़ा ही खतरनाक साइंटिस्ट होगा, पर वो तो एक फटीचर ऑक्टोपस निकला।